Welcome back to Dronacharya IELTS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Editorial Analysis. Well, aaj is video lecture mein hum jo SCO Shanghai Cooperation Organization ka jo 22nd summit hua hai ise yahan pe discuss karenge. 22nd summit of Shanghai Cooperation Organization. To recently Samarkand which is in Uzbekistan, यहाँ पे SCO का 22nd summit होता है for the member states and the council of heads. Important चीज़ यहाँ पे ये है क्योंकि COVID-19 pandemic की वजह से last 2 years का जो SCO summit था उसे cancel किया गया था and after COVID-19 this is the 22nd summit of SCO which happened in Samarkand, Uzbekistan. Now before we go to the major highlights of this summit, India के लिए क्या takeaways हैं? सबसे पहले समझते हैं about Shanghai Cooperation Organization. ये topic वैसे भी GS paper 2 point of view से important है. Shanghai Cooperation Organization is an important international grouping. India इसका एक member है. सबसे पहले SCO को थोड़ा और detail में समझते हैं. What do we know about Shanghai Cooperation Organization? पहली चीज़ आपने याद रखनी है दैट दिस इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो इसीलिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. दिस वॉज क्रिएटेड इन 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया गया. इसका जो चार्टर था वो 2002 में साइन हुआ एंड देन इट केम इनटू फोर्स इन 2003. करता क्या है ये? What is the nature of Shanghai Cooperation Organization? So basically it is a Eurasian political, economic and military organization. Political, economic and military organization. Eurasian. इसमें Eurasia वाला area आता है. And the aim of SCO is to maintain peace, security and stability in the region. ऐसा भी कह दिया जाता है that Shanghai Cooperation Organization is a kind of counterweight to the North Atlantic Treaty Organization, NATO. And देखते हैं, you know, Shanghai Cooperation Organization के members कौन-कौन से हैं? हालांकि इसकी जो official languages हैं, that is Russian and Chinese. It's a permanent body. इसका जो सेक्रेटरेट है दैट इज़ इन बीजिंग चाइना एंड ऑल्सो ताशकंद में इसकी एग्जीक्यूटिव कमिटी है ऑफ रैट्स. आई थिंक लास्ट टू लास्ट मंथ 2 months पहले करंट अफेयर में था रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर SCO's रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. ओके, जो चेयरमैनशिप है यहाँ पे ईयर बाय ईयर मेंबर स्टेट्स के बीच में रोटेट होती है. इम्पॉर्टेंट है इसका जेनेसिस समझना, किस तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है. सो 2001 से पहले, 2001 में इसकी क्रिएशन होती है, देयर वाज अ ग्रुपिंग कॉल्ड एज शंघाई 5. SCO नहीं था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, शंघाई 5 था जिसमें रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ये कंट्रीज प्रेजेंट थे. अब यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्रेजेंट हैं. टोटल वी हैव 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान. यहाँ पे अभी 3 हैं प्लस रशिया एंड चाइना, हो गए ये 5, इसीलिए इनको कहा जाता था शंघाई 5. लेकिन जब हम इसका और बैक जाते हैं कि शंघाई 5 भी किस तरह बना, तो बेसिकली 1996 में शंघाई 5 की फॉर्मेशन होती है बिकॉज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. ये यहाँ पे मेनली 4 सोवियत रिपब्लिक्स हैं, रशिया इट्सेल्फ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान. These are former Soviet republics. पहले यहाँ तक USSR था लेकिन 1991 के बाद ये disintegrate हो जाता है USSR.
तो बॉर्डर डिमार्केशंस होती हैं इन चारों कंट्रीज के बीच में, डीमिलिटराइजेशन टॉक्स होती हैं, एंड दिस वाज हेल्ड विद चाइना एज वेल, बिकॉज इन सभी कंट्रीज के साथ चाइना भी टच करता है, सो दैट वी कैन, यू नो, दीज कंट्रीज कैन इंश्योर अ स्टेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर्स. इसीलिए ये पांच कंट्रीज मिलते हैं और बनता है शंघाई 5. लेकिन 2001 में उज़्बेकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेता है, तो अब हो गए 6 मेंबर्स. तो अब इसका नाम शंघाई 5 तो नहीं चल सकता, इसीलिए 2001 में उज़्बेकिस्तान के एक्सेशन के बाद इसको रीनेम कर दिया जाता है, शंघाई 5 से रीनेम करके द न्यू नेम गोज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो अब ये 6 मेंबर्स हो गए. तीन पहले ही थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से, चौथा सेंट्रल एशियन कंट्री है उज़्बेकिस्तान. अब आपने याद ये रखना है कि पांच सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर बाकी सब SCO के मेंबर्स हैं. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान. तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है. तुर्क को टर्की से याद रखेंगे, टर्की इसका मेंबर नहीं है, इसीलिए तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं. यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इससे पहले ही याद रखेंगे. रेस्ट वी हैव रशिया एंड चाइना. बट 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी SCO के मेंबर कंट्रीज बन जाते हैं, एंड देयरफॉर एज ऑफ नाउ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ 8 परमानेंट मेंबर्स, विच आर रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. सो दीज आर 8 कंट्रीज. हालांकि इट इज़ ऑल सेट दैट वेरी सून ईरान विल ऑल्सो बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO. ईरान भी मे बी नेक्स्ट ईयर 2023 तक ईरान भी SCO का परमानेंट मेंबर बन सकता है. इंडिया और पाकिस्तान को भी, इंडिया की बात करें तो 2005 में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया. धीरे धीरे, यू नो, जब ऑब्जर्वर स्टेटस मिलता है दे जनरली पार्टिसिपेट इन द मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स, एंड यहाँ पे धीरे धीरे करते करते 2017 में परमानेंट मेंबर बन जाता है. बट ये जो ग्रुप है मेनली सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इस पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पे डेवलपमेंट्स या डिस्कशंस की जाती हैं. अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. मैप वर्क इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट. या सो लुक एट द कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ SCO. सो एज यू कैन सी, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान. 2017 में ऐड होता है इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड ईरान इज ऑल्सो ऑल सेट टू ज्वाइन द SCO नेक्स्ट ईयर. तो ये जो ग्रुपिंग है दिस इज कॉल्ड एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है जी. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि 22nd समिट हो गया है SCO का. कहाँ पे हुआ ये समिट? होता है समरकंद में. नाउ समरकंद इज प्रेजेंट इन उज़्बेकिस्तान. ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है समरकंद के बारे में भी, इसकी लोकेशन, इसकी ज्योग्राफी समझ लेते हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान में एक रिवर वैली है विच इज़ ज़ारिफ शान रिवर वैली. ज़ारिफ शान रिवर वैली, उसके साउथ ईस्टर्न रीजन जो है उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पे आपको समरकंद मिलेगा विच इज़ बेसिकली दिस पर्टिकुलर रीजन. एंड यू कैन सी ये जो रिवर यहाँ से पास करे, देयर इज अ रिवर विच इज़ गोइंग ओवर हियर. लेट मी हाईलाइट अ लिटिल बिट मोर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. या सो दिस इज़ द रिवर विच इज़ गोइंग, विच इज़ बेसिकली ज़ारिफ शान रिवर वैली. इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में बिल्कुल क्लोजली आपको समरकंद मिलेगा. नो, ये जो नेम है समरकंद ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज दिस हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम सॉग्डियन सिविलाइजेशन. समर का मतलब था है रादर स्टोन और रॉक, एंड समरकांद का मतलब है फोर्ट. सो रॉक फोर्ट, स्टोन फोर्ट. सो इट बेसिकली मेंट दैट इट्स अ टाउन और द फोर्ट ऑफ रॉक और स्टोन. यहां से इसका नेम डिराइव होता है.
उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? अब देखो गलती मत कीजिएगा, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल समरकंद नहीं है, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, जहाँ पे रैट्स की बात हमने की थी। समरकंद इज उज़्बेकिस्तान कल्चरल कैपिटल। इट्स अ वेरी यू नो इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ यू नो वर्ल्ड कल्चर, द डिफरेंट कल्चर दैट द उज़्बेकिस्तान हैव। सो इट हैज़ ऑलवेज बीन दैट इंट्रेंस यू नो वेरी इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कल्चर फॉर मोर देन 2.5 मिलेनिया। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट एरिया, यहाँ पे यू नो सोग्डियन सिविलाइजेशन इसका नाम डिराइव होता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी कल्चरल कल्चरल रीजन, कल्चरल कैपिटल वी कैन से। ओके, सो समरकंद इज इन उज़्बेकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ से उज़्बेकिस्तान की लोकेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। आप कौन कौन सी कंट्रीज उज़्बेकिस्तान को टच कर रही हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। है यू हैव कजाकिस्तान। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताएंगे मैप में देखकर, रादर यू शुड नोट दिस डाउन, कैस्पियन सी को कौन कौन से कंट्रीज टच करते हैं? एंड यू विल बी वेरी यू नो एक्साइटेड टू सी। ये आपने नोट करना है और याद रखना है कि उज़्बेकिस्तान जो है ये कैस्पियन सी को टच नहीं करता। बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कैस्पियन सी को उज़्बेकिस्तान टच नहीं करता, गलती हो जाती है, गलती नहीं करेंगे। ठीक है जी, चले तो ये हो गया हमारा मैप एरिया। कमिंग बैक टू द मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस समिट, जो डिस्कशंस यहाँ पे हुई हैं, मेंबर स्टेट्स ने ये डिस्कशंस की दैट नाउ वी नीड टू स्ट्रेस द नीड टू इंक्रीज द म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन। कंट्रीज को आपस मिलकर, जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में मिलकर म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन करें एनर्जी सेक्टर में। राइट नाउ एनर्जी सेक्टर इज वेरी हॉट टॉपिक, जिसमें जो भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं उन सबका एफिशिएंट यूज हो। दे शुड बी द सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द वेरिएंट यू नो एफिशिएंट इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजीज। कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है तो उसको लेकर सपोर्ट करें आपस में। इकोनॉमिकली कोई बेहतर टेक्नोलॉजी है तो उसे आपस में लेकर आएँ। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेक्टर। तो याद रखेंगे कि डिस्कशन का एक पहलू क्या था, एनर्जी सेक्टर। इसी के साथ साथ इस डिस्कशन में ये भी आता है दैट वी नीड टू हैव दिस डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लॉजिस्टिक सेक्टर। हमें मॉडर्न लॉजिस्टिक सेंटर्स डेवलप करने होंगे एंड फॉर दिस वी नीड जॉइंट एक्शन सो दैट वी कैन कोऑर्डिनेट एंड फैसिलिटेट द इंटरकनेक्शन ऑफ रेलवेज, डॉकिंग पॉलिसीज, रेगुलेशंस, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। लॉजिस्टिक सेंटर्स में लॉजिस्टिक्स को इन कंट्रीज में इम्प्रूव करने के लिए इंटरकनेक्टिविटी होना ज़रूरी है, और इस इंटरकनेक्टिविटी का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उस तरह के डॉकिंग पॉलिसीज़ हों जिससे कि जो इंटर कम्युनिकेशन कनेक्शन है वो इंक्रीज हो सके। सेम तरह की रेगुलेशंस हों, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो हैं उनको शेयर किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प की जाए। देन दे ऑल्सो सपोर्टेड द लीडिंग रोल ऑफ WHO इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस, स्पेशली पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली फ्रॉम थ्रेट्स ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक एपिडेमिक्स, स्पेशली इन अकॉर्डिंग्स टू द WHO इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। तो WHO का जो रोल है उसे भी इसे यहाँ पे सपोर्ट किया गया है। अलॉन्ग विद दिस, इन दिस डिस्कशंस इट वॉज ऑल्सो एडवोकेटेड दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन द पोटेंशियल ऑफ टेक्नो पार्क्स। टेक्नो पार्क्स का जो पोटेंशियल है उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फॉर दिस इनोवेशन इकोसिस्टम को जॉइंटली डेवलप किया जाए, कंट्रीज मिलकर इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप करें। दे शुड बी जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड। देन व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दिस SCO रीजन, इसकी डिस्कशंस भी यहाँ पे। देखो पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री है ना, तो जब हम देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है, लॉजिस्टिक्स की बात हो रही है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, टेक्नो पार्क्स, COVID-19, सो इकोनॉमिक और पॉलिसीज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पीस, ये सब बना रहे, उन इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया गया है।
In this discussion, it also called for full compliance with Convention on the Prohibition of Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and Their Destruction. Very, very, very important. CWC, Chemical Weapon Convention बोल देते हैं, Convention जिसमें Disarmament और Non-Proliferation Instruments effective माने जाते हैं. And now, Iran has also signed the memorandum of commitments, you know, to join the SCO. And this will give a boost to India's focus as well when it comes to the inclusive connectivity agenda. Hamara jo Central Asia ke saath hai, kyunki ab us Turkmenistan ko chhodkar baki sabhi Central Asian countries SCO ka part bhi hai. Which we say that this can function parallel to China's Belt and Road Initiative. Okay? Now, India specific agar hum dekhe, to separate bilateral meeting hui hai summit ke baad. हमारे प्राइम मिनिस्टर की रशियन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हुई है, उज़्बेकिस्तान के हेड के साथ मीटिंग हुई है, ईरान प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो कॉल्ड ऑन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ रिलायबल एंड रिजिलिएंट सप्लाई चेन, जो कि COVID-19 की वजह से डिस्टरप्ट हुई हैं, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से डिस्टरप्ट हुई हैं, दोबारा सप्लाई चेन्स को रिलायबल बनाया जाए, रिजिलियंट बनाया जाए. दिस शुड बी बेटर कनेक्टिविटी एंड सो दैट यू नो वी कैन ग्रांट फुल राइट्स ऑफ ट्रांजिट फैसिलिटीज अमंग द मेंबर स्टेट्स टू अचीव द गोल ऑफ हैविंग दैट लॉजिस्टिक्स ऑफ इंटरकनेक्टिविटी. यहाँ पे इंडिया हैज़ ऑल्सो रिव्यूड द बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड टर्की एंड वी हैव ऑल्सो अप्रिशिएटेड द गेन्स वी हैड यू नो विद द ट्रेड विद टर्की. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भूलेंगे नहीं, पिछले महीने करंट में था बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, वाराणसी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO's टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल. पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जगह को कैपिटल बनाया जाएगा फॉर वन ईयर, उसे ताकि वहाँ पे टूरिज्म बढ़े, यू नो उसकी प्रमोशन हो. तो इसकी शुरुआत इंडिया से हुई है. इंडिया का वाराणसी पहला SCO टूरिज्म कल्चरल कैपिटल है फॉर द पीरियड 2022 एंड 2023. इस चीज़ को याद रखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन अपॉर्चुनिटीज एट SCO, तो इंडिया देखो 2017 में मेंबर बना है और जब से इंडिया SCO का फुल मेंबर बना है, इंडिया इज मेकिंग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द SCO प्रोसेसेस, टू भी डिलीबरेशन वहाँ पे होती हैं, जो भी आउटकम्स निकलते हैं. We have already made significant efforts to enhance the cooperation in traditional medicine, science and tech, startups and innovation. In areas mein to kafi significant efforts India ke rahe hain. Traditional medicine ko boost dena, science and technology ke upar focus karna, startup aur innovation ki baat karna. So India has a good participation in terms of that. Aur ye jo 22nd summit tha SCO ka, ye waise bhi important ho jata hai because India is assuming the rotational annual presidency at the end of this summit. इस समिट के बाद जो एनुअल प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास आ जाएगी. तो इम्पॉर्टेंट हो गया SCO, ठीक है. एंड SCO कैन ऑल्सो बी अ वोकल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू दिल्ली, जो कि जो भी रीजनल या फिर क्रॉस रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर जो हमारा एजेंडा है, हम उसे फर्दर पुश कर सकते हैं. वी कैन फोर्स पाकिस्तान टू मॉडरेट देयर व्यू एंड अप्रोच व्हेन इट कम्स टू लिंकिंग सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया. इट कैन ऑल्सो बी यू नो we can see that it can also be a platform where India can push for Chabahar port project, Iran member banne wala hai, international north south transit corridor. To in sare hi links ko ye aapas mein jodta hai, which is Shanghai Cooperation Organization. Halanki kuch concerns hain, kuch challenges hamare paas yahan pe hain. First of all, there is some new lines of fracture which is emerging within SCO. Like रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेंबर स्टेट्स में थोड़ा सा अनीज है और ये अनइजीनेस ग्रो हो रही है बिकॉज रशिया चाइना का क्या स्टैंड इसके ऊपर है, बाकी कंट्रीज का क्या स्टैंड उसके ऊपर है. सो देयर इज समथिंग दैट दे आर यू नो द SCO मेंबर्स आर क्वाइट ऑन एंड द कंसर्न्स आर दैट देयर आर सम न्यू लाइंस ऑफ फ्रैक्चर्स बिटवीन द मेंबर्स ऑफ SCO कंट्रीज, स्पेशली जो फॉर्मर रिपब्लिक्स हैं, जो सोवियत रिपब्लिक्स हैं, दे आर very anxious about Russia doing on Ukraine, that
what is happening with Ukraine, this can happen with them also. They're deeply anxious about it. And the republics are now looking to establish other partnerships, especially with China and Turkey, to a very less extent with India, so that they can enhance the strategic autonomy from Russia and safeguard their sovereignty and territorial integrity. अगर यूक्रेन रशिया का नेबरिंग कंट्री है तो कजाकिस्तान भी है, इनको भी उतना ही इक्विवेलेंट खतरा है. तो ये अब आ रहा है सामने, तो इसीलिए वो और पार्टनरशिप्स भी बना रहे हैं. तो इसीलिए एक फाइन फ्रैक्चर लाइन डेवलप होती नज़र आ रही है. ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द अफेयर ऑफ SCO विच इज़ मेनली डोमिनेटेड बाय रशिया एंड चाइना, दिस हैज़ बीन यू नो अ चैलेंजिंग फॉर इंडिया एट एनी टाइम. क्योंकि जो करंट यू नो टर्बुलेंट है, इट इज़ हार्डर फॉर दिल्ली फॉर इंडिया बिकॉज दिस डोमिनेंस ऑफ रशिया एंड चाइना व्हेन इट कम्स टू द SCO. हालांकि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट अगर हम देखें, सो इंडिया मस्ट गिव इट्स फुल अटेंशन टू SCO's प्रेसिडेंसी, स्पेशली कमिंग ईयर में तो हमारी प्रेसिडेंसी है, स्पेशली विद द न्यू कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स वी कैन हैव विद यूरेशिया. This can be an entry of Iran. जैसे Iran की entry होती है इस forum में, this will open a door for even more greater connectivity. इससे regional support जो है वो mobilize हो पाएगी to you know for the transit of Central Asia through Pakistan and Afghanistan. So we can say that in the churn of Eurasia, it offers India the new opportunity to raise its current limiting stand in the region, because हमारी direct connectivity नहीं है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जो stand है वो limited हो जाता है. लेकिन this is obviously a new opportunity for India to explore more, especially with the SCO's presidency coming up in the next year. So that was all for this video. आज की इस video के लिए इतना ही. Please do try to write a mains answer for this. Direct questions आ जाते हैं. ये टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. यू नो व्हाट डज SCO होल्ड फॉर इंडिया, यू शुड बी एबल टू राइट अबाउट इट, राइट. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज दैट प्लीज डू योर मैप एक्सरसाइज एज वेल. जब भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग का कोई भी न्यूज़ आता है या कोई भी कंट्री की न्यूज़ आती है, ओपन अप द मैप, सी द लोकेशन, आसपास के एरिया में कौन सी मेजर वाटर बॉडी है, कौन से मेजर जियोग्राफिकल फीचर्स हैं. ऑलवेज यू नो डू दिस, दिस विल हेल्प यू. सो दैट इज़ ऑल. थैंक यू सो मच.